हाँ जी, तो कैसे हैं आप? आज के वीडियो के अंदर है हमारे पास में सिग्नोर अवेयर के कुछ ऐसे लंच बॉक्स जो कि स्कूल के हिसाब से साथ साथ ऑफिस पर्पस दोनों ही हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं। मतलब ये हुआ, अगर छोटे बच्चे अगर स्कूल लेके जाते हैं तो उसके हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं, साथ साथ अगर आप ऑफिस में अगर इसको कैरी करके लेके जाते हैं तो उसके हिसाब से भी परफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में एट ए टाइम तीन मॉडल्स रखे हुए सिग्नोर अवेयर के इन लंच बॉक्सेस के, जिसके अंदर एक है मेरे पास में सिग्नोर अवेयर का ये चिप मुंक लंच बॉक्स, दूसरा है मेरे पास में सिग्नोर अवेयर का ये स्लिम स्टील लंच बॉक्स, और तीसरा है मेरे पास में सिग्नोर अवेयर का ये हैप्पी मी लंच बॉक्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ओपन करते हैं। ये सिग्नोर अवेयर के चिप मुंक लंच बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर इन सभी लंच बॉक्सेस को अगर आप बहुत ही अच्छे दाम पर परचेज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बेस्ट डिस्काउंट परचेज लिंक दे रहा हूँ, उसे भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लंच बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं सर जी, तो एट ए टाइम आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का लंच बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर ब्लू कलर के अलावा भी आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस इस लंच बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो साहब, ये जो लंच बॉक्स है हमारा काफी लाइट वेट है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते काफी भारी भरकम लंच बॉक्स हो, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर लंच बॉक्स के अंदर वेट होगा तो उसे कैरी करने में भी दिक्कत होगी। छोटे बच्चे जिनका बैग ऑलरेडी काफी भारी होता है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लंच बॉक्स हो सकता है। अगर आप ऑफिस के अंदर अपने लैपटॉप के बैग के अंदर अपने पर्स के अंदर कैरी करते हैं तो उसके हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। फोर साइड लॉकिंग सिस्टम के साथ में ये लंच बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब जल्दी से इसको हम करते हैं ओपन। तो जैसे ही हमने इसको साहब ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेनलेस स्टील के साथ में ये लंच बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो आपको डब्बी मिल रही है, छोटा वाला कंटेनर मिल रहा है, ये 130 ml कैपेसिटी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर लिक्विड जो कैरी करेंगे वो पूरा कंप्लीट स्टील मिलता है। मतलब लिड के ऊपर भी स्टील आ गई और बैक साइड में भी स्टील आ गई, साथ साथ कैपेसिटी भी 130 ml है जो की काफी सफिशियंट रह सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पूरे के पूरे कंप्लीट इस लंच बॉक्स की जो कैपेसिटी की बात करूं तो 850 ml का ये वाला जो है आउटर कंटेनर है, 850 ml कैपेसिटी के साथ में आपको मिलता है। साथ साथ आप स्टील की क्वालिटी देख लीजिए, आपको मिरर फिनिशिंग की फूड ग्रेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील मिलती है, जिसके अंदर आपको जनरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ ही साथ अगर लॉक्स की बात करूं तो लॉक्स भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। साथ साथ ये जो लंच बॉक्स है आपका इंसुलेटेड भी है, मतलब इसके अंदर PU इंसुलेशन दिया हुआ है, इसकी वजह से अगर जो भी आप खाना इसके अंदर कैरी करेंगे वो कम से कम 3 से 4 घंटे तक गर्म भी रहने वाला है। तो सर जी, क्वालिटी इस लंच बॉक्स की काफी अच्छी है, मैं खुद काफी टाइम से सेल कर रहा हूँ, काफी हैप्पी कस्टमर्स है मेरे, आप भी बेझिझक इसे भी ले सकते हैं। अगर बात करें साहब रेट की, तो कंपनी ने इस लंच बॉक्स की जो MRP मेंशन कर रखी है वो है 700 के अराउंड, मतलब 699 जो है इसकी प्रिंट रेट है। यहाँ पर आपको 15 से 20% लेस के ऊपर ये वाला लंच बॉक्स मिल जाएगा, तो बेझिझक इस लंच बॉक्स की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लंच बॉक्स की, तो यहाँ पर है मेरे पास में सिग्नोर अवेयर का ये स्लिम स्टील लंच बॉक्स। सर जी, ये जो लंच बॉक्स है थोड़ा सा खास है, खास क्यों है जल्दी से ओपन करता हूं आपको भी पता चल जाएगा। इसके जैसे ही बॉक्स को ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक ब्लू कलर का लंच बॉक्स मिलता है। यहां पर भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इस लंच बॉक्स के अंदर। अब यहां पर आप स्वयं देख लीजिए कि ये लंच बॉक्स डिफरेंट क्यों है, बिकॉज यहां पर आपको जो लिड मिलती है वो स्टेनलेस स्टील की मिलती है। कई लोग कह सकते हैं कि भैया ये जो हमारा ढक्कन है जो प्लास्टिक का दे रहा है, इसके अंदर हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए स्टील चाहिए, तो उसके हिसाब से एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर लॉक की क्वालिटी की बात करूं तो आपको जो लॉक है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही मजबूत मिलते हैं, एकदम रफ एंड टफ तरीके के, ठीक है। तो इसको हमने ओपन किया, अब ओपन करने के बाद में इसकी लिड को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की एक लिड यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस लिड को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, यहाँ पर कंटेनर को आप देखिए, इस लिड को देखिए, ठीक है, ताकि ये जो है कंप्लीट एयर टाइट हो सके, इसके अंदर से कुछ भी लीक ना करे, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का रबर, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलिकॉन है, इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं और इजिली वापस से इसे फिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली क्लीन करने के हिसाब से भी ये लंच बॉक्स काफी ईजी है, साथ ही साथ इसे फिट करना भी इजी है। काफी जो प्रॉब्लम्स आती है बाकी दूसरे लंच बॉक्सेस के अंदर, वो इसके अंदर आपको नहीं आती, आप देख सकते हैं। मैंने भी विद इन सेकंड इसे वापस से सेट कर दिया, आप देख सकते हैं इजीली सेट भी हो जाता है। साथ ही साथ ये जो है आपका टिफिन, ये भी आपको इंसुलेटेड मिलता है, तो 3 से 4 घंटे तक इसके अंदर भी आपका खाना गर्म रहने वाला है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपको लिक्विड कैरी करने के हिसाब से जो आपको छोटे साइज का जो पार्टीशन मिल जाता है वो काफी बड़े साइज का है। यहाँ पर तो 130 ml मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ पर इस लंच बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है।
यहाँ पर ये जो टिफिन है हमारा 750 ml कैपेसिटी के साथ में मिलता है, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट साइज यहाँ पर आपको मिलते हैं एट ए टाइम। ये जो है मेरे पास में स्लिम स्टील बिग रखा हुआ है, इसके अंदर जो है स्मॉल साइज भी आपको मिल जाता है, तो आप चाहें तो स्मॉल साइज भी परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी इस लंच बॉक्स की वाकई में काफी अच्छी है, आपको कंप्लेंट नहीं आने वाली। इंसुलेटेड होने के साथ में 100% फूड ग्रेड भी है, इसी वजह से जितनी ज्यादा स्टील होगी उसकी रेट भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो है लंच बॉक्स आपको 959 MRP के साथ में मिलता है, और अराउंड जैसा मैंने आपको बताया 15-20% लेस पर आप इस लंच बॉक्स को भी बेझिझक परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लंच बॉक्स की, जो कि है सिग्नोरावेयर के ये हैप्पी मी लंच बॉक्स। ये जो लंच बॉक्स है कुछ इस टाइप का लंच बॉक्स है, काफी टाइम से जो है डिमांड थी कि मार्केट में काफी सारे चाइनीज लंच बॉक्स सर्कुलेट हो रहे थे, उसका एक बहुत ही अच्छा मेड इन इंडिया अल्टरनेट हो सकता है ये लंच बॉक्स हैप्पी मी। अब इसको करते हैं हम ओपन, तो जैसे ही हमने ओपन किया कुछ इस टाइप का एक लंच बॉक्स आपके सामने आ जाता है, देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो है पॉलीथीन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोज रेड कलर के अंदर ये लंच बॉक्स मेरे पास में रखा हुआ है, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन इस लंच बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सर जी यहाँ पर भी 4-साइड लॉकिंग के साथ में ये टिफिन आपको यहाँ पर मिल जाता है, लुकिंग काफी अच्छी है। साथ ही साथ अब सबसे पहले इसको करते हैं हम ओपन, तो साहब जैसे ही हमने इसको ओपन किया यहाँ पर ये जो टिफिन है कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक स्पून मिलता है, ये टिफिन है, आपको इसके अंदर 3 पार्टीशन मिल जाएंगी, छोटी छोटी 3 चीजें आप इजीली इसके अंदर कैरी करके लेके जा सकते हैं। ये इंसुलेटेड भी है, साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील का भी है, तो इसका मतलब फूड ग्रेड टिफिन भी हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है लिड जैसा मैंने आपको बताया कुछ इस टाइप से डिजाइन है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो भी आप कैरी करने जा रहे हैं टिफिन के अंदर यहाँ से यहाँ ना जाए, यहाँ से यहाँ ना जाए, यहाँ से यहाँ ना जाए, मतलब जो भी आप खाना ले जाएंगे उसकी खिचड़ी ना पके, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ ये जो स्पून है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, फोल्डिंग चम्मच, ठीक है, तो इसको छोटा भी कर सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो। ये भी लंच बॉक्स आपको इंसुलेटेड मिलता है, मतलब 3 से 4 घंटे तक आपका खाना इसके अंदर गर्म रहने वाला है। स्टील जो है आपको 304 ग्रेड की स्टील मिल जाती है, काफी लंबे टाइम तक चलने वाला ये प्रोडक्ट, इसके लॉक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। साथ ही साथ इन सभी लंच बॉक्स की लुकिंग कुछ इस टाइप की है कि नॉर्मल जो दूसरे टिफिन आते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि भैया उनके ऊपर बच्चों का प्रिंट कर दिया जाता है, मतलब डिज्नी प्रिंट कर दिया गया या मार्वल प्रिंट कर दिया गया, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑफिस पर्पस के हिसाब से वो जो लंच बॉक्स है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का कोई भी प्रिंट आपको नहीं मिलता है। तो सर जी ये जो है ओवरऑल हर बंदे के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है, छोटे से लगाकर बड़े तक, मतलब बच्चे से लगाकर बूढ़े तक के हिसाब से ये सारे के सारे लंच बॉक्स परफेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर जी हमारे सिग्नोरावेयर के हैप्पी मी लंच बॉक्स की कैपेसिटी की, ये किस कैपेसिटी का लंच बॉक्स है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो 750 ml इसकी भी कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ बात करें सर जी रेट की, तो 949 मतलब 950 रुपए के लमसम इसकी प्रिंट रेट है, और यहाँ पर ये जो टिफिन है आपको 15-20% लेस पर इजिली मिल जाएगा, तो बेझिझक इसकी तरफ भी स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया हर टिफिन का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ, आपको खुद को भी पता है, तो प्लीज मेरे साथ में बने रहिए। और ये वाला वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू वाला लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।